ऑस्ट्रेलिया तो बेस्ट है अर्निंग्स के हवाले से, यूके का इनिशियल डिपॉजिट कम है, प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत थोड़ा है, यूके का बेटर है एज कम्पेयर टू यूके। मैंने यूके को क्यों सिलेक्ट किया, वेलकम बैक टू हमजा चौधरी वीलॉग्स। तो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमारी आज की जो वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो ये होगा कि यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को सिलेक्ट किया जाए, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो। तो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं इन तीन कंट्रीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कि मैं भी हुआ था जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपनी कोई कंट्री सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने डिफरेंट ऑप्शंस थे मेरे पास, तो मैंने सेलेक्ट करनी थी कि यार कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। और हर बंदे के अपने प्लान्स होते हैं, ठीक है, उस प्लान्स के अकॉर्डिंग वो अपनी जो है कंट्री सेलेक्ट करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर सकूँ ताकि आप इस कन्फ्यूजन से बच सकें और आप अपने लिए जो आपकी ड्रीम कंट्री है उसको सेलेक्ट कर सकें। तो यार टाइम वेस्ट करे बिना शुरू कर दें, तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा वो होगा जो आपका इनिशियल बजट होता है। जब भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो उनसे है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या अपने जो उनसे बैचलर्स के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहा होता है, कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर रहा होता है, तो वो उसका होता है बजट। तो अगर यार हम बजट के ऊपर बात करें तो जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। उसका वजह ये होती है कि जैसे अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो यूके में ऐसी हैं जो 3000 के ऊपर भी आपको ना आपका जो कैश लेटर है वो इशू कर देती हैं, तो बाकी फीस आपने आके यहाँ पे आके अर्न करके भी दे सकते हैं। और उसके अलावा एटलीस्ट मतलब कुछ यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा एक रूल पास हुआ जिसमें आपको 50% तक भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे कैश जो उनसे है पहले ले लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 3000 पहले लेके जब आप यहाँ पे आके इनरोलमेंट करवाते हो उससे पहले 50% ले लेती हैं। लेकिन कहने का मतलब है ओवरऑल जो इनिशियल डिपॉजिट होता है ना यूके की यूनिवर्सिटीज़ का वो रहता है आप 3000 से लेके 5000 जो उनसे है पाउंड तक। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो उनका डिपॉजिट होता है वो होता है तकरीबन अप टू 14,000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होता है, क्योंकि जो उनकी है फर्स्ट जो ईयर की जो फीस होती है उसमें वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि फुल फी, कुछ की अपनी मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अप टू 14,000 जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको इनिशियल डिपॉजिट एज अ मतलब के उसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में देना पड़ सकता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको फर्स्ट ईयर की फुल फीस सबमिट करवानी पड़ती है और प्लस 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो उनसे होते हैं ना आपने सबमिट करवाने होते हैं। तो अगर हम इनिशियल डिपॉजिट की बेस पे देखें तो यूके का इनिशियल डिपॉजिट कम है। और उसके अलावा अगर हम कोर्स फीस की बात करें, जो सेकंड चीज़ होती है सबसे पहले तो हो गया ना इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद ओवरऑल जो कोर्स फ़ी होती है, तो ओवरऑल जो कोर्स फ़ी होती है बैचलर्स के लिए जो यूके में होती है वो तकरीबन 9,000 से लेके 14,000 की रेंज तक जाती है, और मास्टर्स के लिए ये होता है 10,000 से लेकर 13,000-15,000 तक जाता है। लेकिन अगर हम इसी ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ तो वहाँ पर जो आपका जो कोर्स शुरू होता है वो होता है तकरीबन 20,000-25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके अप टू 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक भी होता है उसके आपका मास्टर्स के लिए, और इसी तरह ही आपका बैचलर्स के लिए होता है मतलब 15,000 से लेके 20,000-25,000 30,000 पर ईयर आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिहाज से आपके ये हो सकती है आपके बैचलर्स की। तो इसी लेवल से हम कनाडा में बात करें तो कनाडा में भी फीसेस काफ़ी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। तो यूके के इसमें कनाडा की बात करें तो आपकी जो बैचलर्स की पर ईयर फीस हो सकती है वो होती है तकरीबन 10,000-15,000 जो कैनेडियन डॉलर है वहाँ से लेके आप अप टू 20,000-25,000 कैनेडियन डॉलर्स बैचलर्स के लिए, और मास्टर्स के लिए यही तकरीबन 15,000-20,000 डॉलर से लेके आपकी 25,000-30,000 डॉलर पर ईयर आपकी फ़ीस हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, अब देखें जो यूके होता है ना यूके में अब मास्टर्स होता है 1 ईयर का, कुछ 2 ईयर्स का भी होता है लेकिन मोस्टली यूके में मास्टर्स जो होता है ना वो 1 ईयर का होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यूके के साथ और सॉरी कनाडा के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो यूके में जो बैचलर्स होता है वो 3 ईयर्स का होता है और जो मास्टर्स होता है वो 2 ईयर्स का होता है, कुछ केसेस में 1 ईयर का भी होता है लेकिन मोस्टली आपको 2 ईयर्स का ही मास्टर्स सेलेक्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर हम कनाडा की तरफ कनाडा की बात करते हैं जो वहाँ पे जो बैचलर्स होता है वो 3 to 5 ईयर्स तक हो सकता है और जो मास्टर्स होता है वो भी 2 ईयर्स का होता है, और यूके में बैचलर्स जो है वो 3 ईयर्स का होता है और मास्टर्स 1 ईयर का होता है। तो कोर्स ड्यूरेशन यूके में कम होता है,
ये एक ऐप जो सी है, इसमें भी आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस देना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने अगर यहाँ पे 15,000 आगरा पाउंड आपकी साल की फ़ीस है, तो उसी तरह अगर आपकी $15,000 कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस है, तो वो आपने 2 साल देनी है मास्टर्स के लिए, तो वो डबल एक्सपेंस हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो चीप ऑप्शन है वो है यूके, इनका अगर हम कंपेयर करें कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर और जो इनिशियल बजट है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद एक जो मेन चीज़ होती है उसके, वो मैं कहता हूँ कि जो रिजेक्शन रेशियो होती है, तो अगर रिजेक्शन रेशियो की बात की जाए यूके की, तो अगर आपके पास यूके में अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है, मुकम्मल है, और उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी से कैश लेटर मिल गया है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई आपने कोई इलीगल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस 90 to 100% होते हैं। अगर क्योंकि अगर आपने अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवाए, तो मतलब कि वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है यूके की। और अगर हम कंपेयर करें यूके के साथ और कनाडा के साथ, तो सॉरी ऑस्ट्रेलिया के साथ और कनाडा के साथ, तो जो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो रेशियो है रिजेक्शन रेशियो, वो 40 to 50% है, रिजेक्ट हो जाते हैं वीज़े स्टूडेंट्स के फ्रॉम बोथ फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और अगर हम यही कनाडा की तरफ देखें, तो यही थोड़ी सी रेशियो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी हाई है, इसमें हमारे पास तकरीबन 50 to 55% जो उनसे है ना वीज़ाज वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और किस कई दफ़ा केसेस में तो जो है रेशियो इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है यूके में, ठीक है। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं जो उनसे है प्रोसेसिंग टाइम के, कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, जो यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वीज़ा अप्लाई करने के बाद, अगर आप स्टैंडर्ड मेथड पे अप्लाई कर रहे हो, तो 3 मंथ्स में आपका वीज़ा, सॉरी 3 वीक्स में आपका जो वीज़ा है ना वो डिसीजन हो जाता है। और अगर आप प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी की तरफ जाना चाहें, प्रायोरिटी में आपका जो होता है वो आपका तकरीबन 1 वीक में आ जाता है, 5 डेज के अंदर अंदर, 5 वर्किंग डेज के अंदर। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी की तरफ जाते हैं, तो विद इन 1 डे 24 आवर्स आपके डिसीजन आपको मिल जाता है। अगर उस टाइम में आपको डिसीजन नहीं आता, तो जो आपने एक्स्ट्रा फी पे की होती है वो आपको रिफंड भी हो जाती है। लेकिन यूके का प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू यूके, सॉरी कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो तकरीबन 4 to 6 वीक तक होता है, तो मैक्सिमम अप टू 3 मंथ्स तक जो है ना मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोसेसिंग टाइम है, इतना टाइम लग जाता है स्टूडेंट को वेट करते हुए वीज़ाज के लिए। और अगर हम यही कनाडा की तरफ बात करें, तो ये अप टू 9 वीक्स तक चला जाता है, ठीक है। और मतलब कि इसमें भी 2-3 मंथ आपके चले जाते हैं इसमें कनाडा के लिए, अगर आप डिपेंड करता है आप एसटीएस नॉन एसटीएस की तरफ। लेकिन फिर भी जो अगर हम बात करें इसको कंपेयर करें यूके के साथ इन दोनों कंट्रीज़ को, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत थोड़ा है यूके का। मतलब आप इमेजिन करें आप विद इन 1 डे भी जो है ना अपना डिसीजन ले सकते हैं अपना वीज़े का, ठीक है। तो यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यूके की कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत अच्छा है उनका। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो जो PSW का जो टाइम है, PSW मतलब के जो आप जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे स्टे के लिए वीज़ा एक्स्ट्रा मिलता है, तो कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में से TR बोलते हैं, और मतलब के ओवरऑल इसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा ही होता है, ठीक है। तो यूके जो सा अगर हम यूके की बात करें, तो चाहे आप करें यहाँ पे बैचलर्स, चाहे आप करें यहाँ पे मास्टर्स, तो आपको 2 ईयर्स का PSW मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो जो ऑस्ट्रेलिया का PSW है वो 3 to 5 ईयर्स तक का मिल सकता है आपको। और जो सा है मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इसके हवाले से बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको जो पोस्ट जो स्टे मिलता है आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके जो सिर्फ 2 ईयर्स का देता है। और अभी नेक्स्ट में पता नहीं है कि वो PSW के ऊपर अपनी पॉलिसी को रिवाइज क्या करता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कनाडा में की तरफ बात करें, तो अगर आप 1 ईयर के कोर्स करते हैं कनाडा में, तो आपको 1 ईयर का PSW मिलता है। अगर आप 2 ईयर्स का अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तो आपको 3 ईयर्स का जो है ना PSW मिल जाता है। तो PSW के हवाले से जो सा है दोनों ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। तो एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि PR का क्या सीन होता है। तो एक तो बहुत एक तो मैं अगर मैं बात करूँ PR यूके की, तो ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यूके में PR होती ही नहीं है। तो यूके के PR का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो
पीआर अगर आप यूके के लेना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे जो सा है जॉब ढूंढनी होती है, उसको टायर टू जॉब बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने टीयर टू जॉब आपको मिल गई है, 5 ईयर्स आपने उस वीज़ा के ऊपर जॉब की, आपको उसके बाद पीआर मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिली और आप डिफरेंट तरीके से अपना वीज़ा एक्सटेंड करते अप टू 10 ईयर्स तक चले गए हैं, जिसमें अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक दो मास्टर्स कर लिए हैं, पीएचडी कर लिया, या किसी और वीज़ा पे अपने वाइफ को बुलवा के आप उसके डिपेंडेंट हो गए हैं, अपने फॉर मतलब कहने का मतलब है 10 ईयर्स यहाँ पे स्पेंड कर लिए हैं, तो आपको पीआर की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो दो रूट हैं, 5 ईयर और 10 ईयर। तो इसकी हम कंपेयर करें कनाडा के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हलवा है कनाडा में, मतलब हलवा है सच, ये भी नहीं है कि बिल्कुल में जो शायद सामने पड़ी है, लेकिन जो अगर हम को कंपेयर करें यूके के साथ, तो कनाडा में पीआर मिलना बहुत इजी है, और ऑस्ट्रेलिया उसके जो सा है बाद है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कनाडा, लेकिन फिर भी वहाँ पे पॉसिबल चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर मैं तीन में कंपैरिजन करूँ तो कनाडा के पीआर इजी है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नीचे सबसे नीचे यूके को मैं रखूँगा, क्योंकि यूके की भी पीआर मिल जाती है, लेकिन जो सा है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप की जो सी है यहाँ पे, जो आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पे शॉर्ट ऑक्यूपेशन में है, और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, तो आपको यहाँ पे भी पीआर मिल जाती है, ठीक है। तो पीआर का बताना बहुत ज़रूरी था। तो यार अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की, तो इन तीनों ही कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट अप टू 30%, 40% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। मेरे जो CGPA था वो 3.5 के राउंड था मेरे बैचलर्स में, तो मुझे यहाँ पे 30% स्कॉलरशिप मिली थी मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से यूके में। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आपकी जो ग्रेडिंग क्या है, लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है आपको अप टू 30-40% आपको स्कॉलरशिप जो है मिल जाती है। तो उसके अलावा यार अगर मैं बात करूं आपके साथ जो यहाँ पे अर्निंग्स है, जो अगर मैं उसमें आपको सबसे पहले स्पेसिफिकली मिनिमम वेज की बात करूं, तो जो अभी यूके में जो है मिनिमम वेज है वो थोड़ी सी बढ़ी है, पहले 9.50 थी, अब ये 10.42 पाउंड पर आवर हो गई है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू जो कैनेडा है, कैनेडा में जो 15-16 जो है कैनेडियन डॉलर पर आवर आपको जो पर आवर है वो वेज मिलती है, और जो ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वो तो ज़्यादा 21.38 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके जो है करेंसी एक्सचेंज में वो काफ़ी फ़र्क है, जैसे अब यूके का जो पाउंड है वो पाकिस्तान में कन्वर्ट होकर 360-350 के अराउंड अबाउट है, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया डॉलर है वो 200 के अराउंड अबाउट है, इस तरह करके, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो आप चेक कर लेना। तो कहने का मतलब है कि वेजेस जो मिनिमम वेजेस हैं वो तीनों कंट्रीज़ में अच्छी हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा है, जो 21.38 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो पर आवर है। तो अगर हम बात करें एक और जो इसमें मैं अभी स्टूडेंट्स को बात रिकमेंड करूंगा, तो वो ये है कि यार जो पर आवर आपको मतलब कि स्टूडेंट्स को पर वीक वर्क कितना अलाउ है, तो यूके में आपको पर वीक 20 आवर वर्क अलाउ होता है, और कनाडा में भी आपको पर वीक 20 आवर अलाउड होता है, लेकिन अभी जो सा है ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको 40 आवर पर वीक अलाउड है, मतलब उनको स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ हो गया है। तो इस हवाले से जो उनसे है ना ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है, और उनकी देखें आप मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ है। मेरे ख्याल उन्होंने पॉलिसी को अपडेट जो उनसे है अपना करना है जून में, 30 जून को आई गेस, लेकिन अभी भी फिर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे चांसेस अभी बहुत ज़्यादा हैं कि आपके जो अर्निंग के चांसेस हैं, अर्निंग सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, उसके बाद यूके, और जो अगर हम कनाडा की बात करें तो वो आसपास ही होते हैं। मेहनत करें तो यहाँ पे यूके में भी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती हैं, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है यूके में भी, और इसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया तो बेस्ट है अर्निंग्स के हवाले से, और कनाडा तो पीआर के हवाले से सबसे बेस्ट है। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो जो यूके में अगर आपकी पे 12,750 से कम है तो आपने कोई टैक्स नहीं देना, अगर आपकी पर ईयर 12,750 से 50,270 के तक है तो आपको 20% टैक्स लगता है, और अगर आपकी 50,000 से ऊपर है तो आपने 40% टैक्स देना है यहाँ यूके में। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो अप टू 18,200 आपकी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 18,201 से लेकर 37,000 तक आपने 19% टैक्स देना है, और 13,000 से लेकर जो 90,000 तक वो
32.5%. तो टैक्सेस कम है ऑस्ट्रेलिया में एज कम्पेयर टू यूके. तो अगर हम कनाडा में बात करें तो अप टू 53 जोन सा है 14,398 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना. अप टू जोन सा है 53,359 पर 15% टैक्स है. और 53 से लेकर उसे अगर आपके ऊपर है वो 20% है. तो टैक्सेस में देखा जाए तो यूके में टैक्सेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. तो यार ये था एक ओवरऑल कंपैरिजन. तो अगर हम इस चीज़ में देखें तो मतलब के अगर आप बात करें कल्चर की, फूड की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, सोशल लाइफ की, इन तीनों कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी है. ख़ासतौर पे हमारी जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से तो यार कदरें ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो इस चीज़ में ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को कम्पीट करते हैं. तीनों में अच्छी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है. ट्रांसपोर्ट यूके में थोड़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू दीज अदर कंट्रीज़. तो आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप कौन सी को कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि यार आपके प्लान्स क्या हैं. तो अब मैंने यूके को क्यों सिलेक्ट किया, यूके की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी, इनिशियल जो बजट है वो बहुत कम था, और उसके अलावा जो उनसे ना प्रोसेसिंग टाइम वो बहुत कम था. वीज़ा रेशो वैसे मैंने बता दिया बहुत अच्छी थी. ठीक है, और यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं. ठीक है, तो ये कुछ जो उनसी हैं रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने यूके को सिलेक्ट किया. आप अगर अर्निंग्स भी ठीक है, अच्छी अर्निंग है यहाँ पे, अगर आपने इन चीज़ पे देखना है तो यूके आपके लिए बेस्ट है. अगर आप जो उनसा है, अगर हम देखें कि आपको 40 आवर्स पर वीक अलाउ है, और आपको जो PSW टाइम है वो बहुत अच्छा मिलता है, और जो आपकी PR है वहाँ पे चांसेस भी अच्छे हैं, तो उस हवाले से देखा जाए तो अर्निंग्स के हवाले से तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे बेस्ट है. अगर हम देखेंगे अगर आपका प्लान है कि सेटलमेंट जल्दी हो जाए और आपको PR वगैरह जल्दी मिल जाए और उसके साथ आपकी अर्निंग भी ठीक रहे, तो उसके लिए आपको कनाडा सबसे बेस्ट है. तो यार ये मेरा जो है ना एक कंपैरिजन था. वीडियो यार लंबी हो जाती है, मैं उसके लिए सॉरी यार, पता नहीं क्यों हो जाती है. मैंने तो हालांकि कुछ भी नहीं है सच ज़्यादा कि बोला इस दफ़ा, तो फिर भी ओवरऑल तो यार ये था मेरा कंपैरिजन. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. तो अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर मेरी कोई भी नॉलेज में कोई भी थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा. ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.